ठीक आहे, तर सगळ्यात अगोदर काय करावं लागणार आहे तुम्हाला, तर द बेसिक थिंग इज दॅट अगर आपको जो है चाइल्ड से, ये आपका चाइल्ड है, ऑब्वियसली ये चाइल्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम का जो है अपडेटेड डेटा या जो भी कुछ आप कहना चाहेंगे वो लिख दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये कौन से टाइप का होना चाहिए, इक्वल टू न्यू, ये मैं कहीं पे इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, न्यू इमिटर, इसे इमिट भी करना है, इसे इमिट भी करेंगे इसको। चलो ठीक है, इसके अंदर भर देता हूँ पहले, यहाँ पे हमें इसे इमिट भी करना होगा, इमिट भी करना जरूरी है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इवेंट इमिटर है ये, इवेंट इमिटर, इवेंट, मैंने ये पहले ही बताया था कि अगर हमें डेटा चाइल्ड से पेरेंट को भेजना है तो हमें इवेंट इमिटर जो है लेना है। अभी इसमें से कौन सा आपको लेना है ये ध्यान रखो, कितने इमिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रीम दिखा रहा है, प्रोट्रैक्टर दिखा रहा है, एंगुलर कोर दिखा रहा है और इवेंट्स वाला भी दिखा रहा है, इनमें से आप कौन सा यूज करोगे? एट द रेट एंगुलर, ये वाला हमने मान लो इस्तेमाल करना है, इवेंट वाला। हाँ, इवेंट वाला करना है, पक्का? हाँ पक्का, श्योर? हाँ श्योर। चलो दिखा देते हैं अभी, ठीक है कोई बात नहीं, तीनों भी यूज करके देखते हैं। न्यू अपडेट इक्वल्स टू न्यू, हाँ इसको हमें करना पड़ेगा इवेंट का जो है, इसे हम करेंगे इवेंट, इवेंट इमिटर, इसका जो जार है इक्वल टू करना पड़ेगा वहां पे, मैं इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है इक्वल टू इस तरह से, ठीक है सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा डेकोरेटर, ये एट द रेट जो लगाते हैं इसे कहा जाता है डेकोरेटर, तो ये मैंने डेकोरेटर जो है ये क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, आउटपुट डेकोरेटर। हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो डेकोरेटर है हम डेटा आउटपुट डेकोरेटर विथ इवेंट इमिटर से वो डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ना कोई भी डेटा जो भेजना है मुझे मैं भेज दूंगा, लेकिन कब डेटा भेजना चाहिए, कोई बटन प्रेस करने पे होना चाहिए या एनजी ऑन इट पे होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक बटन बना लेता हूँ चाइल्ड पे, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। और क्या करना पड़ेगा अब इसको बताइए एक बार, ये तो कर दिया मैंने, और यहाँ पे फंक्शन जो है आप कोई भी जो भी फंक्शन आपको चलाना है वो फंक्शन आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा फंक्शन चलाएंगे आपकी चॉइस है, यहाँ पे क्लिक फंक्शन चलाऊंगा ताकि वो बटन, अभी ये जो बटन है ये बटन पे तो करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन कौन से फंक्शन से वो डेटा चला जाना चाहिए, एक फंक्शन भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक फंक्शन होना जरूरी है, सेंड टू फादर इस तरह से, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इस बटन पे मैंने कर दिया है देखो, ताकि ये कब जाना चाहिए इसका हमने डिसाइड करना है कि ये कब होना चाहिए। अभी तो मैंने डेटा सेंड नहीं किया, सिर्फ बटन बनाया, नॉर्मल बटन बनाया हुआ मैंने, मैं बटन प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे जो है ये टीएस में कुछ तो होगा, मैं जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ, कुछ और खास नहीं करता मैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग आप लिख भी सकते हैं, आई एम सेंडिंग मनी ऑर्डर टू फादर, ठीक है भेज देते हैं यहाँ पे। और अब कैसे भेजे इसको, ये जो मैसेज है, मैसेज मुझे अगर भेजना रहेगा, लेट्स सी, ये तो कंसोल में प्रिंट होगा लेकिन मुझे भेजना है, तो भेजने के लिए आपको कुछ करना होगा, क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका अपडेट का नाम क्या है, आपके इवेंट इमिटर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आपके इवेंट जो है इवेंट इमिटर का जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, अपडेट डाटा,
बाकी लोग बोलिए मोहिनी अपडेटेड डेटा। ये लाइन जो लिखा है मैंने ये लाइन कंसोल में प्रिंट करने के लिए, लेकिन मेरे को ये डेटा भेजना है फादर को, अमाउंट जो भी मतलब अमाउंट मतलब मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ, मान लो इतना भेज रहा हूँ, मान लो 10,000 भेज रहा हूँ, ठीक है। ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो है ये मैं दिखा ऐसे यहाँ पे नहीं, मैं भेज दूंगा, डायरेक्ट भेज दूंगा, देखने की जरूरत नहीं। बस आपको भेजने के लिए अपडेट डेटा डॉट और एक फंक्शन है छोटा सा एमिट नाम का, इसके अंदर डेटा भेज दीजिए, दैट्स इट। ये करने से क्या होगा, भेज दिया ये डेटा ऑटोमेटिकली, ये जो डेटा है ये हमने लिखा अपडेटेड न्यू एमिटर और एट द रेट आउटपुट, दैट्स इट। ये लाइन, एक लाइन से डेटा वहां पे चला जाएगा। और ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन यहाँ पे हमने बटन दबाया, जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे तो ये डेटा कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा पेरेंट के पास, यानी कि जो फादर इसका कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट इसका कौन सा है, आप लोगों को पता है कि जहाँ पे उसका सिलेक्टर यूज किया है, ये सिलेक्टर कहाँ पे यूज किया गया है, तो ये सिलेक्टर यूज किया गया है हमने कहाँ पे, एप डॉट इसके अंदर यूज किया गया है, ये वाला यहाँ पे यूज किया है। तो मतलब अगर यहाँ पे हमने यूज किया है तो ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका पेरेंट वाला कंपोनेंट है। अभी रिसीव करना पड़ेगा, भेजने के लिए क्या क्या किया है प्लीज बताइए मुझे फास्ट। एक बटन बनाया है हम लोगों ने, क्या आप लोग इतना बटन बना सकते हो? यस सर। क्या ये क्लिक इवेंट लगा के एक सिंपल सा फंक्शन लिख सकते हो स्टूडेंट लिस्ट में ऐसा? यस सर। और जैसे कि हमने कहा है पेरेंट में भेजने के लिए एट द रेट डेकोरेटर डाल सकते हो? यस सर। और यहाँ पे ये जो फील्ड है ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन से क्लास का बनाया आपने? इवेंट इमिटर। इवेंट इमिटर। यस, इवेंट इमिटर का बनाना है आपको, ठीक है। क्या क्या चीजें की, एक फंक्शन बनाया ताकि ये बटन दबाते ही वो चला जाए। इस फंक्शन में हमने क्या लिखा, ये अपडेटेड डेटा जो कि इसका इवेंट इमिटर है, और इमिट फंक्शन को कॉल किया और इसमें जो भी डेटा हमें भेजना था वो भेज दिया। भेजने के लिए इतना है, अभी पेरेंट को रिसीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वो रिसीव करने के लिए। तो पेरेंट में आ जाएंगे, इसका जो भी पेरेंट है आपको पता है एप डॉट कम्पोनेंट, एप डॉट कम्पोनेंट डॉट टी एस, ये अभी पेरेंट है इसके लिए। आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जहां पे मैंने ये जो सिलेक्टर यूज किया है, यहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए और एक छोटा सा जो फंक्शन है वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बनाएंगे। फंक्शन कहाँ पे बनाते हैं इसका, एप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में बनाइए एक फंक्शन रिसीव करने के लिए। कुछ भी नाम का बना सकते हैं आप, क्या नाम का बनाएंगे, रिसीव मनी ऑर्डर, ऑर्डर फ्रॉम, ऐसे ही नाम दे रहा हूँ फंक्शन का ऐसे, और दैट्स इट। अभी यहाँ पे वो रिसीव किया हुआ जो डेटा होगा वो दिया जाएगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर चाहिए तो आप वहां पे ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कुछ भी, रिसीव कोई डेटा ले रहे हो मान लो, या कुछ वेरिएबल का नाम ले लो, अमाउंट या मैसेज, जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे वो आ जाएगा। और मैं यहाँ पे मैसेज डॉट वैल्यू या जो भी कुछ है वो कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आगे की तरफ से, आप कोई बता सकता है अभी मुझे, जो लास्ट सेशन में देखा है, इतना करने से मेरा काम हो जाएगा क्या? तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ये जो एचटीएमएल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा। लेकिन बाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या दिया, क्या नाम दिया, अपडेट डाटा। अपडेट डाटा क्या है इसका, अपडेट डेटा जो चाइल्ड में हमने फील्ड बनाई ना इवेंट मीटर की, बराबर से वही आया, ठीक है। और ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक छोटा सा एक फंक्शन, एक वैल्यू कैसे पास करते हैं इसके अंदर,
वैल्यू पास करने के लिए जस्ट कुछ खास चीज नहीं, यहाँ पे लिखना है डॉलर और लिखना है ओनली इवेंट को लिखना है यहाँ पे इवेंट, दैट्स इट। वहां से डेटा भेज दिया गया, लेने के लिए क्या क्या किया यहाँ पे मुझे बताइए। वो रिसीव करने के लिए सबसे पहले एप डॉट टी एस में हम आ गए और क्या बनाया हम लोगों ने, एक फंक्शन बनाया। इसमें आप जो पैरामीटर है आप इवेंट का ले सकते हो, जो भी इमीटर का है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसे हम लोग रन करेंगे। एक फंक्शन, इतना फंक्शन बना सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना बनाना है आपको। ओके, फिर ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे हमें कॉल करना होगा एचटीएमएल में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इवेंट बाइंड कर रहे हैं वो जो इवेंट है वो इमीटर वाला है, जो कि चाइल्ड में, देखो ये दिखा भी रहा है कौन से कंपोनेंट का है, वो बराबर चाइल्ड का ही वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपको वही लेना है। फंक्शन को कॉल करो और इवेंट का जो डेटा है यहाँ से भेज दो आप, बस ये चीजें आपको करनी है, दैट्स इट।